चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के शिकायती खत पर अस्कुद नोटिस केस की आज दूसरी समाअत की। इस तारीखी केस की ये तारीखी समाअत के दौरान बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की शिकायत का पलड़ा भारी नजर आया, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तजावीज़ में भी इन इल्ज़ामात की तायीद की गई है। इस केस की पहली समाअत की तरह आज भी कोर्ट नंबर 1 से तकरीबन 3 घंटे की अदालती कार्रवाई न्यूज़ चैनल्स ने लम्हा बलम्हा दिखाई। लार्जर बेंच में शामिल सीनियर जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जनाब जस्टिस अथर मिनल्ला, जस्टिस मसरत हिलाली और जनाब जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अहम और दूरस्त रिमार्क्स दिए। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने नुक्ता उठाया कि इस इशू को हमेशा के लिए हल ना किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो इसके जिम्मेदार वजीर आजम और उनकी काबीना है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल किया कि हसास एजेंसीज किस कानून के तहत काम करती हैं। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा कि जो मुदाखलत के खिलाफ खुद खड़ा नहीं होता, जज की कुर्सी पर बैठने का हक नहीं उसको। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का तो कहना है कि उन्हें जान से मार देने की भी धमकी दी गई। समाअत के दौरान मजमू तासुर ये सामने आया कि जजेस की अक्सरियत इदारों की अदालती मुदाखलत का हतमी खात्मा चाहती है और वह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत समेत तमाम हाई कोर्ट्स की तजावीज़ को एक चार्जशीट के तौर पर देख रहे हैं। लार्जर बेंच में शामिल 3 सीनियर जजेस ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान पर मुश्किल सवालात की बौछार की, जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स निस्बतन मोतदिल रहे। चीफ जस्टिस ने आज ये इंकशाफ एक बार फिर दोहराया कि जब से चीफ जस्टिस बने हैं एक भी मुदाखला का मामला उनके पास नहीं आया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अदविया की आज़ादी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी मुदाखलत होती है। उनका कहना था कि जब हम मॉनिटरिंग जजेस लगाते हैं और जब एजेंसीज पर मुश्तमिल JIT बनाते हैं तो ये भी मुदाखलत है, इस पर भी कानून साजी होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अथर मिनल्ला ने तमाम हाई कोर्ट्स के फुल कोर्ट इजलासों की तजावीज़ पर जजेस की शिकायत के इजाले के अज़म का इजहार किया और हमेशा के लिए इदारों की मबीना मुदाखलत के तदारुक का तरीक़ाकार तय करने पर जोर दिया। रिमार्क के दौरान चीफ जस्टिस और बेंच के अराकीन में इख्तलाफी तकरार सामने आती रही। एक मौके पर अटर्नी जनरल से मुकालमे में चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा ने मालूम किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को हिदायत दे सकती है। उनका कहना था कि ऐसे कौन से नुकात हैं जिन पर हाई कोर्ट खुद कार्रवाई नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सब नुकात पर हाई कोर्ट्स खुद कार्रवाई कर सकती है। इस मौके पर बेंच के रुकन जस्टिस मसरत हलाली ने इंतहाई गैरमामूली रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा ने आज अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने से पहले हुक्मनामा तहरीर कराया और समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी। तहम समाअत के दौरान कई मरतबा ये तासुर सामने आया कि 6 जजेस की शिकायती खत के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 3 सीनियर तरीन जज साहिबान के दरमियान बादियों नजर में फिक्री इख्तलाफ और नजरियाती तकसीम गहरी तकसीम मौजूद है। आज की इस इंतहाई अहम सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई समाअत तारीखी केस की तारीखी समाअत, इस पर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे पाकिस्तान में अदालती उमूर के मुमताज सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और आइन और कानूनी उमूर के एनालिस्ट जनाब अब्दुल मुईज़ जाफरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसनात मलिक साहब, ये बताइएगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल केस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसकी समाअत रही है, ओवरऑल आपका क्या व्यू रहा आज की समाअत के दौरान? आपने क्या नतीजा निकाला कि अदालत और इस तारीखी केस में सुप्रीम कोर्ट किस डायरेक्शन में आगे बढ़ती नज़र आ रही है और उसमें क्या आपको तकसीम नज़र आई? देखिए कामरान साहब, एक मामले में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को हमें क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने ये प्रोसीडिंग लाइव स्ट्रीमिंग यानी हर पूरी दुनिया ने देखी। बड़े ऐसे इश्यूज़ पे हम जो है वो टीवी पे भी बात नहीं कर सकते, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में ओपनली बात हुई एक लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए सब ने सुना, तो ये बात तो एक तरफ है। लेकिन दूसरी तरफ ये मामला है कि इसमें अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट में तकसीम बड़ी वाज़ह है। मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट एग्जीक्यूटिव का जो रोल है उस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फायज साहब बहुत ही मोहतात हैं। 6-7 महीने से हम देखते हैं किसी मामले में भी उन्होंने मौजूदा सेटअप को किसी मामले में ऑफेंड नहीं किया और PTI का ये ग्रीवेंस है कि हमारे जो भी मसले हैं
हमें किसी मामले में भी रिलीफ नहीं मिलता इनके दौर में, और ख़ासकर बल्ले का निशान ले जाना, फिर इस तरह रिजर्व सीट के मामले पे अभी तक केस का ना फिक्स होना, फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का केस ना होना, केस अभी तक डिसाइड ना होना, ये वो चीज़ें हैं जिस पर बात होती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें जस्ट अतर मिनल्ला, उनका एक कंसिस्टेंट व्यू है, वो चाहे कोई नून लीग का कोई लीडर हो, चाहे वो पीटीआई का, सिविल लिबर्टीज़ के मामलों में उन्होंने उनको रिलीफ दिया है, सहाफ़ियों को भी रिलीफ दिया है, तो उनका एक कंसिस्टेंट अप्रोच है। जस्टिस काजी फैसा की अप्रोच हम देखते हैं, एज ए जज 8-9 साल जिन चीज़ों में वो अग्रेसिव रहे हैं, अब वो ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो जस्टिस मंसूर अली शाह जो अगले फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस बनने वाला होता है वो बहुत ही मोहतात होता है, वो कोई किसी मामले में भी एग्जेक्टिव को नाराज़ नहीं करता। लेकिन जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने की जो आज अप्रोच रही है, बड़ा मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी चीफ जस्टिसशिप को दाव में लगा के इस किस्म के रिमार्क दिए, और अपनी जुडिशरी और हाई कोर्ट के जजेस के साथ खड़े हुए हैं, और सबको मालूम है इस वक्त जुडिशियल पैकेज की भी बातें भी हो रही हैं। इन हालात में जो एक लंग जो जिसने 3 साल चीफ जस्टिस रहना है और वो भी चाहता तो वो भी खामोश रहता, वो भी मामलात को, तो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से एक बड़ी बैलेंस अप्रोच आना, ये एक बड़ा अच्छा शगुन। और मेरा ख्याल है कि अगर इंस्टीट्यूशन ये तीनों हाई कोर्ट इनके साथ अगर जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क ना आते तो बड़ा एक सेटबैक होता ओवरऑल जुडिशरी के लिए। जस्टिस काजी फैसा जिस मामले को जिस तरीके से कंप्लीट उनकी तरफ से लग रहा है कि फेलियर है। जो आज हमने इस हेयरिंग में भी सुना अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब के, पहले तो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था, लेकिन अब जो दूसरी हाई कोर्ट्स की जानिब से जो सिफारिशात और जो रिपोर्ट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट की भी बहुत ही सीरियस उसमें भी शिकायत मौजूद है। बकौल जस्टिस अतर मिनल्ला कि वो 4 शीट्स हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कहा कि वो बहुत है। तो गोया कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पे तो पहले महदूद था, फोकस था, लेकिन अब इसमें ये दूसरी हाई कोर्ट्स भी जो हैं वो इसमें शामिल हो गई हैं, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पे सामने आया है, क्योंकि अब उसके जवाब में जो सुप्रीम कोर्ट से बात हो रही थी चीफ जस्टिस जनाब फ़ाइज़ीसा और जस्टिस मसर्रत हिलाली की, कि भाई ये जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट में बैठते हैं, इनके पास पूरी पावर्स हैं, इनके पास इख्तियार है, ये खुद इन चीज़ों का जवाब देते, इस पर एक्शन लेते, तो बहरहाल मगर ये एक आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आई है। जी बहुत शुक्रिया कामन साहब, आपने मौका दिया। सर देखिए, इसका मेरे ख्याल से जमान मंदोखेल साहब ने दबे अल्फाज में आज ही जवाब दिया था कि ये फिर चीफ जस्टिस का जो एक आपके सर पे साया होता है उसकी तरफ देखा जाता है, क्योंकि हर आदमी जो है वो काजी साहब के बराबर बहादुर नहीं होता, और इसीलिए शायद एक मुस्बत तरीके से एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म बनाने की आज ज़रूरत है कि इन मामला को देखें। ये तो कोई भी नहीं कह रहा, इतनी बहादुरी तो कोई भी नहीं दिखा रहा कि ये जो इल्ज़ामात थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से लगाए गए उसकी तहकीकात करके उसके जो कसूरवार थे उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये तो मेरे ख्याल से किसी भी बेंच की तरफ से कमेंट नहीं आई। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जिसके ऊपर मिनल्ला साहब और मंसूर अली शाह साहब खड़े हैं जाहिर, वो ये है कि एक इंस्टीट्यूशनल फायरवॉल बनाना ज़रूरी है कि जहाँ ये बात फ़र्ज़ हो जाए आप पर एज अ जज, लोअर कोर्ट के जज हों आप या आप सुपीरियर जुडिशरी का हिस्सा हों, आप पे फ़र्ज़ हो जाए एक अप्रोच को रिपोर्ट करना। जिस तरह एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कोड ऑफ करप्शन है कि आपको अगर कोई एक मलाइन अप्रोच हुई हो तो आप पे फ़र्ज़ है उसे रिपोर्ट करना, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो वो आपका मिसकॉन्डक्ट है। इसी तरह फिर अगर वो आप रिपोर्ट नहीं करते, आपने अपने इमीडिएट सुपीरियर को रिपोर्ट किया और उसने कुछ नहीं किया उसके बारे में, यानी कि इलाके के प्रोविंस के चीफ जस्टिस ने, तो फिर ये उसका मिसकॉन्डक्ट है। जब आप ये तरतीब दे देंगे इस तरह की एक पॉलिसी को, तो कम से कम ये जवाब तो नहीं रह जाएगा कि इनफरादी तौर पे आपने अपने ऊपर प्रेशर ले लिया या आप नहीं कर पाए या आप कमज़ोरी आप कमज़ोर थे। कम से कम आप पे एक इदारे की तरफ से फ़र्ज आ जाएगा और एक तरीक़त मौजूद होगी कि आपने इस चीज़ को हैंडल किस तरह करना है। और ख़ान साहब, उसकी वजह से अप्रोचेज ही कम हो जाएंगी, अप्रोच करने वाला भी 4 दफा सोचेगा कि ये एक सिस्टम जो है जाहिर है इस वक्त बहरहाल ये तो कम से कम एक चीज़ एक कंसेंसस सा नज़र आता है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छी बात यह है कि वो फॉरवर्ड लुकिंग है, वो मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं कि आइंदा के लिए हमें जस्टिस मंसूर अली शाह बार बार फायर वॉल की बात कर रहे हैं। हसरान मलिक साहब, ये बताइएगा कि एक दिलचस्प बात थी कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ सामने आनी थी कि भाई इस पर कोई फुल कोर्ट बनना है या नहीं,
जस्टिस फाइज ईसा ने गुज़िश्ता समात के दौरान फुल कोर्ट की बात को बाकायदा एक्सप्लेन भी किया था, उन्होंने कहा था क्यों फुल कोर्ट नहीं बना और ये भी कहा था कि इसको वो करेंगे, लेकिन आज उन्होंने बावजूद फुल कोर्ट वाला मामला उस पर कोई गुफ्तगू नहीं की, जबकि जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा कि भाई फुल कोर्ट होना चाहिए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अब चीफ जस्टिस साहब जो है उनका दिमाग फुल कोर्ट की तरफ नहीं है और अब शायद वो इस तरफ नहीं जाएंगे। कमरान साहब, अगर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को देखा जाए, उनकी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि मामले को डिफ्यूज़ किया जाए। पहले दिन से ही उन्होंने कोशिश की कि मामला जिन पे इल्ज़ाम है उन्हीं को भेज दिया, इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। जब वो मामला इंक्वायरी कमीशन तसद्दुक हसन जिलानी साहब ने माजरत कर ली, फिर मजबूरन सो मोटो लिया गया। सो मोटो में कहा तो गया कि जी फुल कोर्ट बनाया जाएगा, लेकिन अब वो कह रहे थे कि जी दो जजेस अवेलेबल नहीं हैं, इस वजह से फुल कोर्ट नहीं बन रहा। और बाज़ार ये लग रहा है कि वो नहीं चाह रहे थे कि फुल कोर्ट और इसी तरह छः जजेस ही मामले को सुने, और वो समझते हैं मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर छः जजेस देखें तो उनकी सोच की मेजॉरिटी हो सकती है। तो ये एक चीज़ है, लेकिन इतना ज़्यादा इख्तलाफ नहीं है। मामला ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला वो समझते हैं कि हमें गाइडलाइन देनी चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। जस्टिस काजी फ़ैसा कहते हैं कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हाईकोर्ट खुद ही करे, ये मामला है। जस्टिस काजी फ़ैसा माजी की बात करते हैं कि जी माजी में जो कुछ होता रहा, लेकिन मेरे दौर में कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप साकिब निसार साहब से पूछें, वो भी कहेंगे कि जी मुझे कोई कंप्लेन नहीं रिसीव हुई। सारा कुछ जो नवाज शरीफ साहब को पनामा में सजा हुई, वो समझते होंगे कि वो ऐसे ही हो गई, लेकिन बाद में जो तीन चार साल बाद चीज़ें निकली वो और हैं। अभी जैसे काजी फ़ैसा भी यकीनन कह रहे होंगे कि कंप्लेन उनको नहीं रिसीव हुई, लेकिन जिस तरह पीटीआई से पूछा जाए तो वो तो उनके तो कुछ और तसरात हैं, और वो इस हवाले से कुछ जजेस पे मिसट्रस्ट का इजहार कर चुके हैं, और वो कहते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग उनके केसेस में मैनिपुलेट हो रही हैं। माजी में नून लीग कहती थी, साकिब निसार के दौर में पीपल्स पार्टी इफ्तिखार चौधरी साहब को कह रही थी, और बड़ा अफसोसनाक के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ैसा के हवाले से पीटीआई के यही कंसर्न है, और जस्टिस काजी फ़ैसा इस परसेप्शन को दूर करने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहे, जो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी जिसपे उनके अपने जो माजी में जो उनके साथ रहे, चाहे वो वकीलों में चाहे वो जजेस में, वो भी इस मामले से उस हवाले से उन इस मामले को उनसे इख्तलाफ कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस काजी फ़ैसा जैसे हमने देखा कि वो जब एक पोजीशन लें तो उस पर वो कायम रहते हैं, बड़ा मुश्किल है कि वो अच्छा अपनी पोजीशन से पीछे हटें। अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बज़ाहिर ये अदलिया की आज़ादी के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और जो सामने आया है अब जो उसकी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, जिस अंदाज से केस आगे बढ़ रहा है, जाहिर है कि एक बहुत बड़ा ये केस है पाकिस्तान में हर लिहाज से, मगर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इस मामले में बेंच तो अक्रॉस द बोर्ड हमें बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है, तमाम हाई कोर्ट्स हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा एक वो है, मगर जो बार है ख़ास तौर पे जो 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 ये दो हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इनकी एक तरह से हम देखें खामोश इनका रद्दअमल है, और बिल्कुल किसी किस्म का इसमें कोई एक्टिविज्म का इजहार नहीं है, किसी किस्म का इस मामले पे उनका कोई वोकल और कोई बड़ा वसीफरस किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, एक तरह की बड़ी खामोशी है। ये भी एक बड़ी दिलचस्प अमल है। जी सर, ये पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर से तो छः मेंबरान ने खड़े होकर एक मुख्तलिफ राय का इजहार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसकी भी जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने तो राय ज़रूर दी है, लेकिन उसके अंदर से भी आवाज़ें उठी हैं कि आप जनरल काउंसिल बुलाएं और उसके अंदर जो तमाम मेंबरान हैं उनसे अपनी राय शेयर करके एक मुत्तफ़िका राय कोर्ट के सामने रखें, क्योंकि आखिरकार कोर्ट इनको लेजिटिमेसी इसीलिए दे रहा है, इसलिए ये नुमाइंदा बॉडीज़ हैं, ये इलेक्टेड हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि इनके सरबराहान जो हैं वो अकले कुल हैं। तो इनके अंदर से भी आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर कैप्चर भी है या मुतफरक राय भी हैं, तो अगर आप इनको इनकी मजमू तौर पर इनके इजलास आएँ और इनकी तरफ से मजमू राय सामने आए तो वो भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज साहिबान के हक़ में ही होगी। और ये हमने एंड में जब ऑर्डर्स रिकॉर्ड होने लगे तो हमने पोडियम पे देखा भी कि वो पीबीसी के इंडिपेंडेंट मेंबरान ने खड़े होकर कहा, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी जॉइंट सेक्रेटरी साहब का खत ऑन द रिकॉर्ड है, और वो राय जो है वो फ़र्क है अपने सरबराहान से। तो ये फर्द से तो कुछ नहीं होता खान साहब। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी आज एक तरफ थे मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला साहब, मंदोखेल साहब, ये कहते हुए कि ये एक ओपन सीक्रेट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से ओपन सीक्रेट कहा गया और उसके अंदर शेर व शायरी में बता दिया गया क्या ओपन सीक्रेट है। पेशावर हाई कोर्ट ने तो स्पेल आउट कर दिया कि ये ओपन सीक्रेट है, डेथ थ्रेट्स आती हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हवाले से
चीदा चीदा मामला लिस्ट कर दिए कि बराए रास्त ताल्लुक़ रखने की कोशिश की जाती है, और काजी साहब अगर कहते हैं और दुरुस्त कहते हैं कि उनको उनसे किसी ने रबता नहीं किया, तो ये भी एक अक्कासी करता है इस बात की कितना ज़रूरी है कि एक निज़ाम तरतीब दिया जाए जिसके तहत उनके उन तक रबते, उन तक रसाई और उन तक मालूमात पहुँचने का एक सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि वो नहीं है, क्योंकि एक फायरबॉल नहीं है। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि मुझसे किसी ने रबता नहीं किया और दर हकीकत उसको रबता करना चाहिए था, ये तो इस पूरी दलील की से इत्तेफाक करता है कि एक सिस्टम होना चाहिए, रिपोर्टिंग का फ़र्ज़ होना चाहिए, अप्रोच को रिपोर्ट करना। बिल्कुल सही फरमाया, बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल मुईज़ जाफरी, एनालिस्ट हैं।